हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ का चैप्टर फोर का नाम है रेशनल नंबर्स। इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले डाल देते हैं चैप्टर का नाम, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, अब रेशनल नंबर होते क्या है तो डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर पी अपॉन क्यू क्या है, जैसे यहां पी अपॉन क्यू है, ये एक टाइप का क्या है ये एक टाइप का फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, एक टाइप का फ्रैक्शन होता है। ठीक, तो यहां हम फ्रैक्शन को क्या मानते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में मानते हैं। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, और जो Q होता है ये जो डिनोमिनेटर होता है, P क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, और Q क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो Q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अगर जीरो Q हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो रेशनल नंबर वही नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सके और जिसका Q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पी अपॉन क्यू को हम फ्रैक्शन भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स वो नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सके और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गई रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जब हम लेते हैं 2/3, ये अपॉन में है, यहाँ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा P और 3 हो जाएगा Q। ठीक, ये हो गया रेशनल नंबर। हम लिख सकते हैं 6, तो 6 अगर नंबर है तो इसके जब अपॉन में कुछ नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 6/1, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर हम नंबर एक लिख दें, अगर अच्छा आप ये बताइए 7/0, ये रेशनल नंबर हो सकता है, नहीं होगा क्योंकि अपॉन में क्या है, जीरो है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर -2/7 है, ये भी रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 9/-11 ले ले, ये भी रेशनल नंबर है। P की वैल्यू हमारी 9 हो जाएगी, Q की वैल्यू -11 हो जाएगी। ठीक, यहां भी ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल है, ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो वो रेशनल नंबर जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक, जैसे अगर 2/3 लिख दें, इसमें माइनस की साइन कोई नहीं है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गए। हम लिख दें 0/4, ये भी रेशनल नंबर है पॉजिटिव। अगर हम लिख दें -2/-5 अगर लिख दें, माइनस है माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 2/5, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और एग्जांपल लेना चाहे 11/13, ये भी रेशनल नंबर है। तो जिसमें ऐसे एक कह सकते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें जो
पॉजिटिव में हो उनको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कह सकते हैं, बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे फ्रैक्शन जो पॉजिटिव होते हैं उनको हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों में माइनस है तो ऊपर नीचे ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर ऐसे भी दिया हुआ है -2/-5 करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। कौन से? निगेटिव। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे रेशनल नंबर जिसमें से या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक माइनस का हो या नेगेटिव साइन हो जिसमें। एग्जांपल लेते हैं -2/3, 2/-5, -11/7। ठीक, ये सब हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में माइनस है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ न्यूमरेटर में। तो ऐसे नंबर्स क्या हो जाते हैं? निगेटिव रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कि हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इससे पहले आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे आप, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे। वैसे ही क्या यहां क्या पढ़ना है आपको? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस था पढ़ा, वैसे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। जैसे कोई एक हमारा अगर रेशनल नंबर है 2/3, एक रेशनल नंबर हमारा क्या है 2/3, अगर इसमें आप सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब मैंने 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 और 3 2 6। तो 4/6 जो आया है वो क्या है? 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 2/3 हमने एक लिया था, हमने एक फ्रैक्शन लिया था क्या 2/3। ठीक, उसमें 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया। ठीक, तो यहाँ 2 2 4 और 3 2 6, ये आंसर क्या आया 4/6। तो अब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 4/6। ऐसे ही यहाँ 2 से नहीं, किसी भी नंबर से जब हम ऊपर नीचे दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, दिया है मान लो 16/48 है। अगर 16/48 में 2 का डिवाइड, किसका 2 का डिवीजन हम ऊपर नीचे दोनों में कर दें, क्या बचेगा 8/24 बचा। तो यहाँ 6/48 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/24 भी हो जाएगा। तो जब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो ये चीज, इस चीज पे काफी क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आपकी बुक में एक टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्या है अगला जो टॉपिक है आपकी बुक में, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
रेशनल नंबर्स। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का? ठीक स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही था आपको बताया कि रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पी हो जाएगा न्यूमरेटर और क्यू हो जाएगा डिनोमिनेटर, और क्यू जो है जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू दोनों को प्राइम होने चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पी और क्यू को प्राइम का मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पी और क्यू का कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के सिवाय कोई और कॉमन फैक्टर इसका नहीं होना चाहिए। जैसे हम 2 और 3 लेते हैं, तो 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है? दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, दोनों को प्राइम हो जाएंगे। अगर हम मान लो 4/8 लिखते हैं, तो यहाँ 4 और 8 का कॉमन कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 से हम इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं, इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो जो P और Q होता है वो क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम। और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो जब P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यही है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आप एक और टॉपिक है, चलिए इतना टॉपिक ही रहने देते हैं, बाकी की जो टॉपिक्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसी के अकॉर्डिंग आप जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में है, एक्सरसाइज में है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।